हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज़ सुमेरा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ किटन केयर के बारे में, न्यू बॉर्न किटन के बारे में। उनकी केयर हमें कैसी करनी है, जब हमारी कैट किटन डिलीवर करती है तब हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और हमारे किटन्स को हमें आगे चल के कैसे रखना है ताकि वो सारे इन्फेक्शन से बच जाए और कैट को भी कोई इन्फेक्शन ना हो और किटन्स को भी कोई इन्फेक्शन ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हनी ने कुछ रात में किटन्स डिलीवर करने चालू किए थे 3 बजे के दौरान। वो ऑलरेडी एक किटन डिलीवर कर चुकी थी और ये जब मैंने देखा तो ये सेकेंड किटन था जो अभी डिलीवर हो रहा है। एक्चुअली जहाँ पे मैंने इसकी नेस्टिंग की थी इसने किटन्स वहाँ नहीं डिलीवर किए। इसने एक अपनी जगह चुनी और मुझे जल्दी जल्दी वहाँ पे मुझे जो कुछ मिला पिलो के कवर्स मैंने वो वहाँ पे डाल दिए और उसको एक नेस्ट बना के दे दिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हो वीडियो में, ये किटन ऑलरेडी डिलीवर हो चुका था मेरे देखने के पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये किटन तो सैक में से ओपन हो गया था, जो कि उसने उसका फर्स्ट किटन था तो उसने ऑलरेडी इसको कर रखा था। बट आगे के जो किटन्स थे वो इसने ओपन नहीं किए थे, तो मुझे बीच में उसकी हेल्प के लिए मुझे जाना पड़ा। तो जैसा कि आप देख रहे हो किटन अभी गीला है क्योंकि वो ऑलरेडी बिज़ी हो गई है सेकंड किटन को डिलीवर करने के लिए। तो हमें ये प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे पहले हमें अपने हाथ को स्टेराइल करना है। अगर आपके पास ग्लव्स है तो बेस्ट ऑप्शन है, बट अगर नहीं है तो आप अपने हैंड्स को अच्छे से स्टेराइल कर लीजिए और फिर उसके बाद किटन को हैंडल कीजिए। कोई भी सॉफ्ट टॉवल्स आप ले लीजिए और वहाँ पर आप किटन को ड्राई करना चालू कीजिए। कॉर्ड आपको मैं बताऊंगी किस तरीके से काटना है, बट अभी फ़िलहाल अगर आपकी कैट उसे खाने लग जा रही है तो आपको ये सब नहीं करना है। बस किटन को जितने जल्दी होता है उतने जल्दी ड्राई कीजिए। सो इट्स ऑलमोस्ट डाउन हेयर, तो किटन हो ही गया है। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, खुद से कुछ भी किटन का खींचने की कोशिश ना करें। ये उनको जब वो पेन्स होते हैं लेबर के तो वो खुद डिलीवर कर देते हैं। बस आपको सैक में से उनको ओपन करना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ खींचना नहीं है, कुछ नहीं करना है, कैट अपने आप कर लेगी, दैट्स इट। आप लोगों को अच्छे से वीडियो में दिख रहा है, कैट अपने किटन को अच्छे से क्लीन कर रही है। बस हमें इतना ही देखना है, हमें कुछ अपने तरफ से कोई कोशिश नहीं करनी है खींचने की, कुछ भी हमें नहीं करना है। बस हमें किटन्स को ड्राई करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम आपके कैट ने किटन्स दिए तो प्लीज़ हैंडल करना कैसे है किटन्स को, एक बार आप वीडियोज़ पे देख लेना, वेट को पूछ लेना। गलत तरीके से आपको किटन्स को हैंडल नहीं करना है। और हो सके तो आप सॉफ्ट टॉवल्स लीजिए, जहाँ पे आप एक हाथ नीचे रखिए टॉवल के और उसके ऊपर किटन को रखिए। और अब काफ़ी टाइम हो चुका था, मैंने उसको एक एग योक भी दे दिया है और अब उसको टाइम था किटन को फीड करवाने का। तो अभी किटन फीडिंग नहीं ले रहा था तो मुझे कोशिश करनी थी, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम हो चुका था और अब किटन फीड नहीं ले रहा है, मतलब कुछ ना कुछ है। तो हमें स्टार्ट करना था, देखना था कि ये सक करता है कि नहीं है उसकी मदर को। तो मैंने बहुत सारी कोशिश की बट किटन शायद से वीक था, पता नहीं, तो वो सक नहीं कर रहा था। तो सेकंड जो आप किटन देख रहे हो वीडियो में, वो खुद उसकी मदर के पास जा रहा है मिल्क के लिए और वो खुद ढूँढ रहा है। बट जो फर्स्ट किटन है वो शायद पूरा ठंडा पड़ गया था, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी देर बाद देखा तो वो फीडिंग नहीं ले रहा था। मेरे बहुत सारे अटेम्प्ट करने के बाद भी वो फीडिंग नहीं ले रहा था। मैंने काफ़ी देर तक के अटेम्प्ट किया, मैंने उसको अच्छे से देखा, उसको मिल्क था बट किटन सक नहीं कर रहा था। दैट मीन्स कि किटन में कुछ ना कुछ वीकनेस हो गई थी और मुझे बहुत डर लग रहा था कि किटन को कुछ हो ना जाए, इसलिए मेरे सारे अटेम्प्ट फेल हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब अपन लास्ट अटेम्प्ट करके देखते हैं, इफ़ अगर वो किया तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे फॉर्मुलेटेड मिल्क बनाना पड़ेगा और फिर उसको फीड करवाना पड़ेगा। और जो आप सेकंड किटन देख रहे हो वो आपको खुद दिखेगा कि वो खुद फीडिंग के लिए जा रहा है।
अगर आप कैट को डिलीवरी के टाइम एग योक दे दोगे येलो वाला, तो जल्दी जल्दी किटन डिलीवर हो जाते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, उसको लेबर पेन कंटिन्यू है। जैसे एग योक देने से काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि कैट जल्दी किटन डिलीवर कर देती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे पता नहीं आप लोगों ने किसी ने ट्राई किया है या नहीं, बट मैंने जब भी मेरी कैट डिलीवर करती है किटन, मैं उसे एक एग योक दे ही देती हूँ ताकि वो अच्छे से जल्दी से डिलीवर कर दे। और हनी ने हाफ एन आवर में सारे किटन्स डिलीवर कर दिए थे, जब मुझे पता चला कि वो उसे लेबर पेन स्टार्ट हो गए है और उसने ऑलरेडी एक किटन डिलीवर कर दिया है। सो अब सेकेंड किटन को भी हमें ड्राई करना है अच्छे से। प्लीज़ कुछ भी खींचने की कोशिश ना करिए, अभी जितना भी उसका नेस्टिंग का कपड़ा जो भी गंदा हो रहा है गंदा होने दीजिए। हमें जब पूरे किटन्स फाइनली पूरे डिलीवर हो जाएंगे, हम फिर पूरा मैटिंग चेंज करेंगे। मैं आपको बताऊंगी आपको यूज़ क्या करना है, कैसे करना है और क्या रखना है, और इन्फेक्शन से किटन्स को कैसे बचाना है। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान देना है आपको कि किटन्स पूरे अच्छे से डिलीवर हो जाए और ड्राई हो जाए, गीले ना रहे, क्योंकि कैट कंटिन्यूस एक के बाद देने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाती है, जिस वजह से उसके पास एनर्जी उतनी नहीं होती है। तो हमें हेल्प के लिए आगे आना ही पड़ता है। तो जितने भी आपके घर में सॉफ्ट टॉवल्स होंगे, जितने भी बेडशीट के कवर्स होंगे, पिलो कवर्स होंगे, जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो वो आप नेस्टिंग के लिए ले सकते हो। वो कॉटन के होते हैं और अच्छे, काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है उनका, तो आप नेस्टिंग के लिए वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो और वो बेस्ट ऑप्शन होता है। सो काफ़ी टाइम हो गया है, अब मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती। मुझे किटन को एनी हाउ अब फॉर्मुलेटेड मिल्क देना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और इतने देर अपन किटन को भूखा नहीं रख सकते हैं। वो क्योंकि फीडिंग नहीं ले रहा है, अगर वो खुद म्याऊं म्याऊं करके कुछ एक्टिवनेस दिखाए तो हम वेट भी कर सकते हैं, बट वो बहुत कम, मतलब इतना ज़्यादा डाउन है मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो हमें पहले उसको ड्राई करना, उसके बाद हम इसे फॉर्मुलेटेड मिल्क पे लेके आएंगे। किटन डिलीवर हो रहे हैं धीरे धीरे करके, ज़्यादा वेट ना करते हुए एटलीस्ट किटन के पास थोड़ा कुछ अभी पेट में चले जाए ताकि उसको थोड़ी एनर्जी आ जाए। आपको बहुत प्यार से किटन को हैंडल करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। टॉवल आप हाथ पे रखिए, किटन को उसके ऊपर रखिए और फिर धीरे धीरे करके उसको हैंडल कीजिए। डायरेक्टली अगर आप फर्स्ट टाइम आपकी कैट ने किटन दिया है तो प्लीज़ डायरेक्टली होल्ड ना करें। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने हाथ के ऊपर अपने नैपकिन रखा है और फिर मैं धीरे धीरे उसको सुखा रही हूँ। ज़्यादा हार्शली ना करें, धीरे धीरे ही करके आपको ऐसा करना है ड्राई। अपने आप किटन आपको खुद महसूस होने लगेगा किटन ड्राई हो रहा है, और हमें सिर्फ ड्राई करना है ताकि हम उसको फॉर्मुलेटेड मिल्क जल्दी दें। कैट अभी बिजी है किटन डिलीवर करने के लिए, तो हमें जल्दी से इसे फॉर्मुलेटेड मिल्क दे देना है ताकि इसके अंदर एनर्जी आ जाए और हमारे किटन की लाइफ और उसकी हेल्थ दोनों उसके साथ रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि मैंने होममेड फॉर्मुलेटेड मिल्क कैसे बनाया है, बस वही तरीके से आपको बनाना है। सो किटन अच्छे से ड्राई हो गया था और मैंने फॉर्मुलेटेड मिल्क ऑलरेडी तैयार करके रखा था, और यह मैं इसको फीड कर रही हूँ। हमेशा सिरिंज को ऊपर रखिए, हेड को भी उनके ऊपर रखिए और टमी साइड नीचे रहना चाहिए। मैंने हाउ टू सिरिंज फीड किटन्स उसका भी वीडियो बना के रखा है, आप वो भी वीडियो देखिए। और इस तरीके से हमें किटन को फॉर्मुलेटेड मिल्क देना है, मेक श्योर कि किटन की नोज़ में मिल्क ना जाए। सो ये पूरे किटन्स हो गए हैं डिलीवर। हनी ने फाइनली 6 किटन्स डिलीवर किए हैं और सारे हेल्दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक किटन जो फीडिंग नहीं ले रहा था और हमने जिसको सिरिंज फीड किया था वो भी हेल्दी है। ऑल ब्यूटिफुल कलर्स एंड वेरी हेल्दी किटन्स। हमने सबको क्लीन कर दिया है, सबको ड्राई कर दिया है। हमें अभी अपनी फीमेल कैट को नहलाना नहीं है क्योंकि किटन्स अभी
उन्हें दिखता नहीं है, आइज़ ओपन होने में 10 डेज लगेंगे। तो किटन्स अपनी मदर को स्मेल करके ही फीड करने के लिए जाते हैं, तो मेक श्योर कि आप कैट को ना नहला है। आफ्टर 10 to 15 डेज जैसे ही आइज़ ओपन हो जाती है आप कैट को नहला सकते हो। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हमें न्यूबॉर्न किटन्स को किस तरीके से रखना है, हमें कैसे किटन्स को इन्फेक्शन से बचाना है। सो ये ड्राई पैड्स हैं, इन्हें हम पेट्स के इसमें अगर आपको ये चीज़ ऑर्डर करनी है तो आप ट्रेनिंग पैड्स डाल दीजिए तो आपको मिल जाएगा ये ऑनलाइन भी। तो ऐसे मैं कुछ 20 to 25 मंगवा के रखती हूँ ताकि 2 महीने तक ये चल जाए। मैं एक पैड को एटलीस्ट 2 डेज़ यूज़ करती हूँ, तो जैसा कि 1 मंथ में मुझे काफ़ी लग जाते हैं। तो देखिए ये काफ़ी बड़ा होता है, तो किटन्स अभी 6 है तो हमें उस हिसाब से भी पैड्स लेना है। इसमें एक छोटे साइज़ भी होता है और बड़ा साइज़ भी मिलता है, तो आपको जो सफिशिएंट लगे आप वो ऑर्डर कीजिए। मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा यूज़ करती हूँ क्योंकि कैट को अच्छे से किटन्स जब आगे बढ़ना चालू करते हैं तो उन लोगों के लिए भी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, ताकि वो जगह लेके अपना थोड़ा बहुत क्रॉल भी कर सके और अपनी मदर की फीडिंग भी अच्छे से ले सके। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, मैंने पूरा ट्रेनिंग पैड बिछा दिया है और मेरे सारे किटन्स अब अल्हम्दुलिल्लाह 15 to 16 डेज़ के हो गए हैं, उनकी आइज़ भी ओपन हो चुकी है। तो अब वो लोग यूरिन पास तो शुरू से ही करते, फर्स्ट डे से ही करते, और अगर ये पैड आप बिछा के रखते हो तो ये यूरिन ऑब्जर्व कर लेता है। सो इन्फेक्शन्स उनको होने के ज़्यादा चांसेस नहीं होते। अगर आपके घर में किटन्स हो रहे हैं तो प्लीज़ आप ये पहले से ऑर्डर करके रखिए, क्योंकि ये बहुत काम आता है। ना कि छोटे मोटे जो क्लॉथ्स होते हैं वो ना यूज़ करें, क्योंकि वो यूरिन करते हैं तो वो उसी कपड़े पे रहता है, फिर हम 1-2 दिन बाद चेंज करते, इससे स्किन इन्फेक्शन होने के किटन्स को बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ये यूज़ कीजिए, इससे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। सो ऑलमोस्ट सारे किटन्स की आइज़ ओपन हो चुकी है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, और सारे किटन्स हेल्दी है। एक्चुअली जो मैंने फॉर्मुलेटेड मिल्क बनाया था वो मैं इन लोगों को 1 दिन में 1 बार देती हूँ, क्योंकि इसकी मदर फीडिंग अच्छी ले रही है और मैं उसे डेली चिकन एंड बॉयल एग दे रही हूँ, जिस वजह से उसको मिल्क भी बहुत अच्छा आ रहा है। और जैसा कि आप लोगों को पता है मैं मल्टीविटामिन्स में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, तो मल्टीविटामिन्स हमेशा कंटिन्यू रखिए। जितना आप कंटिन्यू रखोगे उतनी कैट हेल्दी रहेगी और फीडिंग दे पाएंगी। और मैं ये 6 किटन्स है तो मुझे एक अपनी कैट को हेल्प के लिए मैं उनको 1 बार दिन में जो फॉर्मुलेटेड मिल्क मैं बनाती हूँ उससे मैं फीडिंग दे देती हूँ। और आपको ये भी पता है फर्स्ट डे 1 किटन जो मदर फीडिंग बिल्कुल भी नहीं ले रहा था उसको हमने फॉर्मुलेटेड मिल्क दिया था, आज वो बहुत हेल्दी है। तो ये वो ही किटन है जिसको हमने फॉर्मुलेटेड मिल्क दिया था, अब देखिए उसकी हेल्थ भी अच्छी है काफ़ी, और अब फॉर्मुलेटेड मिल्क भी लेता है और मदर फीडिंग भी करता है, एंड वो बहुत ज़्यादा नॉटी है। और हमने अभी इनके नाम डिसाइड नहीं किए हैं, हम इनके नाम ज़रूर डिसाइड करेंगे जल्दी। ये बहुत मस्तीखोर किटन है, इसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मैं मेरी कैट को 1 टाइम का रिलीफ देती हूँ, और उसको मैं मेरे किटन्स सारे किटन्स को 1 बार फॉर्मुलेटेड मिल्क देती ही हूँ। अगर आपके पास ये चीज़ है, सारे चीज़ें अवेलेबल है, तो आप भी घर में बना के ये चीज़ दे सकते हो। बहुत सारे पेट ओनर्स को हमेशा डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम होता है, कभी कभी किटन्स सैक में ही मर जाते हैं, कभी कभी किटन्स के पैर टेढ़े होते हैं या अबनॉर्मलिटीज़ आती है, तो प्लीज़ बार बार ब्रीडिंग ना कराए, एटलीस्ट कैट को 6 महीने का टाइम दीजिए और 2-3 बार लिटर होने के बाद उसको स्पेड कर दीजिए। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिन जिन लोगों के पास अभी लॉकडाउन में किटन्स हुए हैं घर पे उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि इन्फेक्शन से हमारे किटन्स को हमें कैसे बचाना है, हमारी कैट को हमें कैसे बचाना है। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।